Hey morning, so I've just reached the showroom. अभी again it's a long day. अभी अपने को कार में पहले तो we are installing the AMG grill. उसके बाद एम्ब्लेम जो था मेरा G350D का I had sent it to make it completely blacked out. उसका जो भी सारा क्रोम पार्ट्स था we are making it all blacked out. So completely कार पूरा ब्लैक दिखेगा. Only दो पार्ट रहेगा which is going to look मतलब क्रोमिश, मतलब जो मेरे को चाहिए भी था रिम एंड द जो पीछे वाला जो अपना जो एक्स्ट्रा वाला व्हील, ये दो छोड़ के एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली ब्लैक आउट. अभी वोला प्रोसेस शुरू होगा. वोला प्रोसेस खत्म होने के बाद विल बी डूइंग द पॉमर गार्ड थिंग. पॉमर गार्ड वाला थिंग तो वो कल वाला वीडियो में आएगा. अभी के लिए वी आर जस्ट इंस्टॉलिंग द स्मॉल स्टफ. सो दिस वॉज द डे व्हेन आई फर्स्ट एक्चुअली सॉ द कार आउटसाइड. मैन इट जस्ट लुक सो गुड रोलिंग ऑन द स्ट्रीट्स. एंड इसका जो कलर है ये थोड़ा मतलब अजीब सा. इट्स नॉट ब्लैक, इट्स नॉट ग्रे, इट्स नॉट ग्रेफाइट, इट्स बेसिकली प्लैटिनम ब्लैक मेटालिक. तो देख सकते हो कि कैसा पूरा मतलब ग्लास की तरह चमक रहा है बाहर में. एंड जैसे ये बाहर में ऐसा दिख रहा है, अब जब ये अंदर आ जाएगी थोड़ा अलग कलर का दिखा. सो दैट इज़ व्हाट द ब्यूटी इज़ अबाउट दिस कलर. तो मैं जब तक डिलीवरी नहीं हुआ था देन आई वाज नॉट श्योर कि ये कैसा दिखेगा, क्योंकि ओरिजिनल ब्लैक जो रहता है वो डीप ब्लैक और समथिंग लाइक G4. ये आने के बाद अपने को मालूम पड़ा नहीं, इट्स मोर लाइक ए ग्लास कलर जो मतलब ब्लैक एंड ग्रेफाइट के बीच में थोड़ा रहेगा. सो दिस इज़ व्हाट यू सी द कलर इज वंस द कार इज इनसाइड. मतलब लाइट्स अब मतलब बाहर वाला सनलाइट छोड़ने के बाद सेटिंग्स लेट मी जस्ट सेट अप दिस वंस. एंड अभी देखो दिस इज़ हाउ इट रोल्स फ्रॉम द फ्रंट. इट लुक्स लाइक दिस. एंड इसका जो फ्रंट वाला ग्रिल है, मैं पहले दिन से मेरे को लगा था कि सब कुछ एवरीथिंग लुक्स ग्रेट इन द कार एक्सेप्ट दैट फ्रंट वाला ग्रिल. फ्रंट वाला ग्रिल एंड अगर नीचे वाला बम्पर चेंज कर देंगे द कार विल बी एग्जैक्टली लुकिंग लाइक द G63. दिस इज हाउ इट लुक्स. मेरे को तो मन करता है ऐसे ओनली देखता जाऊँ कि कैसे कैसे ये रास्ते में चलता है एंड कैसे ये रास्ते में दिखता है. सो आप देखते हो सनलाइट में कैसे पूरा चारों ओर से मतलब चमक रहा है. एंड जो फिल्म में अपने को थोड़ा कुछ एक स्मोक वाला डालना पड़ेगा, क्योंकि द कार इज़ एक्चुअली टू ह्यूज एंड बाहर से सब कुछ दिखता है अंदर क्या चल रहा है. सो पूरा क्लियर है अपना. खाली फ्रंट वाला छोड़ने के बाद साइड में जितना भी है आई गेस आई नीड टू अप्लाई दैट 3M वाला स्मोक वाला फिल्म. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट. आप देख सकते हो नीचे में जो AMG एडिशन लगा है, बाकी दिस इज नॉट द AMG एडिशन, दिस इज द G350D एडिशन. एंड साइड में दिस हैज़ द AMG वाला पैकेज विद द स्टेनलेस स्टील पैकेज. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द साइड. एंड ये पूरा भी फिल्म अभी उसमें अप्लाई करेंगे. अभी तो इसको अपन वर्कशॉप के अंदर लेके जाएंगे बिकॉज वी हैव टू इंस्टॉल ऑल दोस क्रोम पार्ट्स. एंड उसके बाद उसका जो एम्ब्लेम मैंने भेजा था उसको भी इंस्टॉल करना है. एंड मेन जॉब इज इंस्टॉलिंग द AMG वाला ग्रिल. एंड ओनली इफ आई एम अलाउड टू स्लीप नियर द कार मैन. इट जस्ट लुक्स सो गुड फ्रॉम द साइड, बैक, फ्रंट, एवरीवेयर. सो अभी अपन जाएंगे वर्कशॉप के अंदर जाके काम शुरू. होपफुली काम अपना फिनिश हो जाना चाहिए 2-3 घंटे में, क्योंकि उसके बाद मेरे को और एक लंबा काम के लिए निकलना है. एंड आज इसका पॉमर गार्ड का सेरामिक कोटिंग वाला जॉब भी है. अभी देखते हैं ये वाला काम कब फिनिश होता है, उसके बाद ही जाके अगर टाइम मिलता है करेंगे. सो आई एम नॉट श्योर. टाइम इज़ ऑलमोस्ट लाइक 4 PM राइट नाउ. ख़त्म करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या क्या काम पेंडिंग है. बाकी कार का एक्चुअली और भी बहुत सारा काम पेंडिंग है, वो तो आप भुवनेश्वर जाने के बाद ही देखोगे. अभी के लिए आज ओनली ये 2-3 टास्क को ख़त्म करेंगे. एंड ये जो भाई ग्रिल खोलना बहुत ही मुश्किल है. एक्चुअली अपने को लगा था कि बहुत ईजी होगा. ये ग्रिल खोलने के लिए पूरा मर्सिडीज का फीच वाला डायग्राम को देख के करना पड़ा. सो इट वॉज एक्चुअली ए टफ जॉब, बट लेट्स डू इट. कैसे खुलता है अभी देखते हैं आगे जाके. मेजर वाला काम था दैट इज़ द ग्रिल इंस्टॉलेशन पार्ट. अभी ग्रिल इंस्टॉलेशन जो है, अभी इसको खाली ग्रिल को निकालने के लिए ओनली ग्रिल को निकालने से नहीं होगा. अभी ये जो नीचे वाला बम्पर इसको पूरा खोलना पड़ेगा, ये निकलेगा, फिर इसको 4 स्क्रूज पकड़ के वो निकालेंगे, इसको निकलेगा, उसके बाद जाकर वो इंस्टॉल होगा. तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट यू गेट इन अ G350D. तो दिस इज़ व्हाट वी आर चेंजिंग टू. दिस इज़ अ G63 AMG ग्रिल. अभी ये जो ग्रिल है ओनली ग्रिल आप लेके इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते. यू हैव टू रिमूव दिस लाइट कवर्स एज वेल. ये वाला कवर चेंज होगा, वो वाला कवर चेंज होगा, एंड दोनों कवर चेंज होगा बिकॉज ये वाला उसके फिटमेंट में है. इसको अगर हम डायरेक्टली लगाते हैं, ये डायरेक्टली कुछ नहीं होगा. उसके लिए अभी ये 2 को भी खरीदना पड़ा. तो दिस बेसिकली completely one set. This is basically going to go over there now. एंड इसको भाई खोलना पूरा खतरों से खाली नहीं है, मेरे को पूरा ऑपरेशन थिएटर में खड़ा होने से लग रहा है। लॉट ऑफ स्क्रूज, लॉट ऑफ रिवेट्स, बहुत सारा यहाँ सब खोल के ये वाला पूरा निकाला जाएगा। उसके बाद इसको खोलेंगे, ये निकालेंगे, उसके बाद ये निकलेगा, 3-4 पार्ट्स निकलेगा टोटल। तो अभी अपना फिल्म इंस्टॉलेशन भी चालू है। बेसिकली जी क्लास कम्स विथ ए लिटिल टिंट, बाकी बहुत ज़्यादा क्लियर था, उसके लिए आई एम जस्ट इंस्टॉलिंग थोड़ा हल्का सा स्मोक। तो यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अभी वो तो कह रहे हैं कि इस पर भी इंस्टॉल करने के लिए, बट आई डोंट वांट टू डू दैट थिंग बिकॉज मैं तो एनीवेज चश्मा पहन के चलाता हूँ, मेरे को थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। ये सबको अपन थोड़ा स्मोक कर देंगे। ये आप बाहर से लगा रहे हो, अंदर से लगा रहे हो? मतलब अंदर ये लगता है, तो बाहर से जो था खाली मार्किंग करके साइज़ लिया गया। ओके, तो उसके पीछे क्या है मतलब? ओके गॉट इट। पूरा फिल्म पड़ा हुआ है। ओके, और ये पूरा मोबाइल का कवर लगाने जैसा काम है। ओह नाइस। तो ये जो इसमें 3M में क्या स्पेशलिटी है जो कि नॉर्मल वाला जो मिलता है उससे 3M कैसा डिफरेंट है? ओ ऐसा, इतना डिफरेंस है? ओके, तो मतलब इसका रिलायबिलिटी अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब एक बार लगाओ भूल जाओ। ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाल बत्ती के साथ। अभी मेरे से ये सब ऑपरेशन थिएटर वाला चीज़ देखा नहीं जाता, मेरे को तो बहुत डर लगता है। मतलब अगर एक रिवेट भी टूट गया, फिर एक रिवेट भी इधर उधर हो गया टोटल, फिर जर्मनी से फ्रंट वाला पार्ट ऑर्डर करो एंड मैं पूरा मतलब वेंटिलेटर में चले जाऊंगा। तो मैं देख नहीं सकता, बट आई हैड टू द वीडियो। ये वाला लग गया, ये वाला? ओके, हाँ परफेक्ट है। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं। हाँ यदि इट लुक्स परफेक्ट। तो दिस इज डन, यू कैन सी दैट। ये परफेक्ट पूरा दिख रहा है, ज़्यादा नहीं कि कम नहीं। सो ये जितना था उससे जस्ट थोड़ा सा है, तो परफेक्टली लीगल एंड परफेक्टली अलाउड है। और भाई हमारे पास तो ये जो फिल्म वाला चीज़ का दो ऑप्शन थे, वन वाज चाइनीज़ एंड द अदर वन वाज 3M। चाइनीज़ वाला आराम से वही 5-6 हज़ार में हो जाता है, बाकी 3M वाला वाज टू एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट लाइक 7 टाइम्स मोर देन द ये जो अपना चाइनीज़ वाला। बाकी 3M का मैंने एक बार लगा लिया कि चलो एक बार ही करेंगे और उसके बाद उसमें हाथ नहीं लगाने। चाइनीज़ वाला लगाएंगे, उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर अगर ख़राब हो गया तो फिर से एक बार चेंज करो। So I had to take that risk, but it's just too expensive. So this is the 350D बम्पर। अभी बम्पर को खोल दिया गया है। बम्पर को खोलने के बाद अभी आप देख सकते हो कि सामने का ग्रिल इज़ ऑल्सो गेटिंग अनइंस्टॉल्ड राइट नाउ, पूरा ये लाइट के साथ। अभी ये देखो, ये पूरा मल्टी बीम LED मर्सिडीज बेंज, पूरा लाइट का असेंबली इधर उधर है। ये सब देख के मेरे को बहुत ही डर लगता है। ये कितना सारा रिवेट्स में लगा हुआ है, तो रिवेट 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 रिवेट, पूरा एंड टू एंड रिवेट्स ही रिवेट्स है। Basically the idea is if you want to change the front grill of a G350D to a G63 AMG grill, आपको पूरा ये जो किट है पूरा ये किट लेना पड़ेगा, मतलब विद द लाइट कवर्स एंड विद दिस ग्रिल। क्योंकि स्टॉक वाला लाइट कवर्स के साथ ये जो G63 वाला ग्रिल है इट्स नॉट गोइंग टू फिट। आपको पूरा किट लगाना पड़ेगा एंड उसको लगाने के लिए आपको 3-4 निकालना पड़ेगा, 3-4 चीज़। ये पूरा आपको बम्पर निकालना पड़ेगा, देन यू नीड टू रिमूव दोज लाइट कवर्स। उसके बाद वो जो सामने वाला ये जो उसका ग्रिल, पूरा चीज़ को निकालोगे उसके बाद जाके लगाया जाएगा। सो फॉर नाउ वी हैव बीन डन विद लाइक 20% ऑफ द जॉब। अभी मेरा ऑलरेडी धक धक हो रहा है क्योंकि ये सब ऑपरेशन वाला चीज़ मैं देख नहीं सकता, बट स्टिल आई हैव टू सी इट। सो दो काम चालू है, ये वाला भी चालू है, उधर से फिल्म वाला काम भी चालू है। ये ख़त्म हो जाएगा तो ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। एंड और एक चीज़ भी वी हैव डन, द चेंज इज़ द G350D का लोगो देखो, वी हैव मेड इट कम्प्लीटली ब्लैक। ये देख सकते हो G350D, ये वाला पूरा ब्लैक हमने कर दिया है। लवली। ये भी लग गया, ये भी लग गया। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड दिस इज हाउ द बैक लुक्स लाइक। अभी आप देख सकते हो दिस इज द स्टॉक वन, दिस इज द ट्रीटेड वन। सो स्टॉक से ट्रीटेड इज जस्ट लिटिल डिफरेंस। हेडलाइट वॉशर, हेडलाइट का वॉशर है, हेडलाइट का वॉशर निकला हुआ है। सो दिस इज द स्टॉक हेडलाइट कवर एंड दिस इज द ट्रीटेड वन। अभी ये रिमूव होके वो लगेगा, निकला निकला निकला, ये लो पानी पानी पानी। और ये सब ये वॉशर है, हेडलाइट वॉशर का पानी उस तरफ दोनों का हो गया। अभी ये दोनों को किया जाएगा। सो अभी बेसिकली वी हैव टू डू 4 थिंग्स। फर्स्ट, अपना जितना भी सब क्रोम था वी आर मेकिंग इट ऑल ब्लैकड आउट, डी क्रोम कर रहे हैं। उसके बाद फिल्म इंस्टॉल होगा ऑन ऑल द ग्लासेस एक्सेप्ट द फ्रंट। उसके बाद अपना सामने वाला ग्रिल चेंज होगा। उसके बाद मेरा जो G350 का जो एम्ब्लेम था वो भी क्रोम था, आई एम गोइंग टू ब्लैक इट आउट। सो यही 4-5 चीज़ आज काम बाकी है। बाकी और बहुत सारा सामान है ऑर्डर्ड एक्चुअली फॉर द कार्बन फाइबर पार्ट्स एज वेल, क्योंकि वो अभी तक यूएस से आया नहीं है। मतलब अभी रास्ते में है, दुबई या बॉम्बे, मतलब कोई एक कस्टम क्लियरेंस है। वो होने के बाद मे बी नेक्स्ट मंथ वो सब का इंस्टॉलेशन का और एक वीडियो आएगा। सो दिस इज हाउ द स्मोक्ड 3M फिल्म लुक्स लाइक। मस्त, नाइस, नॉट ब्लैक, नॉट इलीगल, लुक्स परफेक्ट, पूरा मस्त स्मोक। दिस इज ऑल्सो स्मोक। सो दिस बेसिकली 73M 70 उसका मतलब इंटेंसिटी लेवल है। एंड दिस इज द स्टॉक वन, दिस इज हाउ इट लुक्स फॉर द स्टॉक एंड दिस इज फॉर आफ्टर द फिल्म इंस्टॉलेशन। लुक्स परफेक्ट परफेक्ट। चलो अभी ग्रिल भी निकल गया, अभी इसको पैक करके घर ले जाएंगे। सो G350D grill has been removed, side by side रखोगे तो this is how it looks, the 350D grill and this is the G63 grill difference। ये लो नंगा वाला G class देखो, without the front grill, without the front bumper, G class मतलब 350D हो या फिर 63 हो ये पूरा exactly ऐसे ही दिखेगा। only grill and bumper का ही change, rest everything इज सेम फॉर बोथ द कार्स। सो अभी अपना काम है इसका जो अपना हेडलाइट का वॉशर है, वॉशर वाला अपना जो ये अपना स्टॉक वाला जो कवर्स था हेडलाइट कवर्स वहाँ से निकाल के वी हैव टू इंस्टॉल इट टू द AMG वाला लाइट कवर्स पे, तो उससे भी खोला जा रहा है। अब इस तरफ वाला फिल्म इज़ ऑल्सो इंस्टॉल। अब इस तरफ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, पूरा अंधेरा हो गया। अब इसका लोगो खोला जाएगा, लोगो खोल के इसमें लगाएंगे लोगो। और पूरा क्लिप ऑन पे, एक क्लिप ऑन टूट गया मतलब जर्मनी। फिर ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है एक बार, लास्ट बार, तब से मेरे को बहुत डर लगता है। क्रिएट अ विन एंड देन दे मेक अ कार। ऑल द पार्ट्स आर गेटिंग कनेक्टेड टू दैट विन ओनली। As per the you know the ISP or international packages or Indian standard packages or wherever the car is supposed to be delivered. Mercedes must be using a proper fitch diagram, I guess. Yes, a proper one. Yes. For every model. The assembly lines are so complicated. You can spend half an hour there and you still can't figure out you know what car they are doing. Thank you. smaller logo sir, smaller logo, yeah, a little bit different. Oops, एनर्जी सारा पानी में चले गया। ओके, सो एक्चुअली प्रोजेक्ट फेल्ड क्योंकि एक गलती हो गया है। इसका अपना ये जो मर्सिडीज का जो लोगो है ये G63 वाला ग्रिल से G350D का ग्रिल के बीच में एक रिवेट रहता है, दैट रिवेट वाज एक्चुअली मिसिंग। अभी वो जो रिवेट है इट्स नॉट इन स्टॉक विद मर्सिडीज। सो बेसिकली इफ यू आर चेंजिंग द ग्रिल फ्रॉम G350D टू द G63 AMG ग्रिल यू हैव टू मेक श्योर वो जो लोगों का नीचे वाला रिवेट चाहिए ही चाहिए। इफ यू वांट आई कैन जस्ट शो इट टू यू। दिस इज अ G350D, यू कैन सी दैट हियर इज द लोगो, देयर इज नो रिवेट इन बिटवीन दिस, दिस इज द सरफेस। उसके बाद सीधा यहाँ पे लोगो है। But at the same time, if you see a G63, let me just show it to you. G63 में in between this plate and in between this logo का ये जो front here is a black rivet वाला thing, ये जो क्या बोलते हैं spacer वाला thing, यही spacer thing is missing. So we have to get this spacer from Germany or from India or whatever it is, we have to get it arranged, then only we can install this grill. So अभी के लिए grill thing is pending. So basically royal wastage of energy and time हो गया थोड़ा भी। बैक अपने को पूरा जो stock वाला part है उसको फिर से install करेंगे, ये वाला grill को side कर देंगे, बाद में जब अपना वो रिवेट आ जाएगा उसके बाद वी हैव टू इंस्टॉल इट। अभी के लिए वी आर ट्राइंग टू गेट इट अरेंज बाय टुमारो, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में भुवनेश्वर जाके विल गेट इट इंस्टॉल्ड। सो वी आर अगेन बैक टू द अपना स्टॉक वाला ये के साथ, वी कुडंट इंस्टॉल दैट थिंग ड्यू टू ए मिसिंग पार्ट। सो ये वाला आप देख सकते हो ये क्रोम था, दिस हैज़ बीन चेंज टू ब्लैक, दिस इज बेसिकली ब्लैक नाउ एंड दिस इज अगेन बैक। एंड अभी दिस इज हाउ द फिल्म वर्क लुक्स लाइक फॉर द साइड्स एंड फॉर द बैक। And this logo has also been completely blacked out. So this is how it has been done. सो मैं तो भी निकल जाऊंगा भाई घर, बहुत लेट हो गया। अभी मैं कल सुबह आके देखूंगा कि एग्जैक्टली क्या काम हुआ है। आई हैव जस्ट सीन द फ्रंट पार्ट ऑफ इट, वॉज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट। सो फॉर द कंप्लीट कार इट्स गोइंग टू टेक लाइक मोर 3 और 4 आवर्स। अभी आई कैन नॉट स्टे बैक बिकॉज आई एम ऑलरेडी हंग्री, आई नीड टू गो बैक टू होम। कल सुबह एक अपन देखेंगे फाइनल वाला रिजल्ट क्या हुआ है। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड नॉट टू ड्राइव द कार एंड आई विल जस्ट गो एंड शिफ्ट द कार बिकॉज द रीज़न इज़ यहाँ बॉम्बे में इंटरनेट इतना स्लो है, मेरा कोई भी काम अभी तक हो नहीं पा रहा है। सो आई हैव टू गो बैक टू होम अर्ली एज पॉसिबल एंड फिनिश ऑल ऑफ माई स्टफ। उससे पहले भाई मेरे को जल्दी से घर पहुँचना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी हैव टू शिफ्ट द कार। सो द कार इज गेटिंग शिफ्ट इन दिस वन। सो बाकी मतलब होपफुली मैं घर पहुंचने तक कार पहुंचने उससे पहले नहीं पहुंचेगा, मैं घर पहुंचने का 1-2 दिन के बाद ही कार पहुंचेगा। ऑलराइट बॉयज, दैट्स इट फॉर टुडे। आज का काम खत्म। अभी स्ट्रेट डिलीवरी टुमारो। सो माय टीम इज़ कमिंग ऑल द वे फ्रॉम भुवनेश्वर टू शूट इट, क्योंकि मैं तो डिलीवरी में रहूँगा तो आई वोंट बी एबल टू फिल्म इट। सो माय टीम इज़ कमिंग। सो अभी कल सीधा डिलीवरी, देन वी हैव टू पैक इट एंड शिफ्ट द कार एंड आई नीड टू गो इट एंड स्लीप राइट नाउ। ऑलरेडी डेड टायर्ड। आई नीड टू गो हैव सम फूड फर्स्ट, देन विल स्लीप। आज रात को थोड़ा निकलना भी था यहाँ कुछ दोस्तों के साथ, बट आई एम नॉट श्योर अब मैं निकल सकता हूँ कि नहीं, बिकॉज क्रेजी हंग्री एंड टायर्ड एज वेल। आई विल सी यू इन द न्यू ब्लॉग। बाय।